हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर सी ऑनलाइन क्लास क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। चैप्टर 3 हमने स्टार्ट किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसी को कंटिन्यू हम डिस्कस करते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट। अब देखिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट क्या होगा। हमारे पास सबसे पहले हम एक ग्राफ बनाएंगे, एक ग्राफ ड्रॉ की। अब इस ग्राफ के अंदर देखिए, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये एक्स, ये एक्स डैश और ओरिजिन बीच में होता है, y डैश ग्राफ के अंदर, ये प्लस ये माइनस x पार्ट, ये प्लस y पार्ट, ये माइनस y पार्ट। अब यहाँ पर जैसे कोई पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं कि इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करूँ। अब देखिए जो गिवन हमारे पास टू डायमेंशनल ग्राफ होता है, ये x एंड y जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, ये हॉरिजेंटल लाइन और ये वर्टिकल लाइन। हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है उसे हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। तो हमारे पास ये ओरिजिन है, आप ओ से डिनोट करते हैं, ये जीरो होता है, यहाँ पर क्या है, जीरो। जीरो से काउंटिंग है 1 2 3 पॉजिटिव पार्ट और ये। अब देखिए इसके कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं पी पॉइंट। अब पी पॉइंट पर पहुँचने के लिए मुझे चलना होगा एक्स पर, एक्स एक्स एक्सिस पर। जस्ट उसी पी पॉइंट से हम क्या करेंगे मैं बताऊँ आपको, पी पॉइंट से आप एक्सिस पर एक्स और वाई जो एक्सिस है उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। P पॉइंट से हमने x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और P पॉइंट से ही y एक्सिस पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, राइट। तो P पॉइंट से ही x एक्सिस एंड y एक्सिस दोनों पे परपेंडिकुलर हमें ड्रॉ करने। अब देखिए जो ये डिस्टेंस है जीरो से यहाँ पर, ये हमारे पास आएगी x, डिस्टेंस कवर करेंगे यहाँ पर। सपोज ये x1 और ऐसे ही हमें जीरो से इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए यहाँ इसको कोई पॉइंट दे देते हैं, ये M पॉइंट हो गया और ये N पॉइंट हो गया। M पॉइंट पहुंच M तक पहुंचने के लिए x1 डिस्टेंस कवर और N तक पहुंचने के लिए सपोज ये y1, क्योंकि ये डिस्टेंस कौन सी है y एक्सिस की है, तो हम इसको y1 अज्यूम कर लेते हैं y। तो हमारे पास P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x को पहले राइट करेंगे कॉमा y को बाद में, तो p के कोऑर्डिनेट होंगे x1 कॉमा y, राइट। जो p कोऑर्डिनेट की देखिए, ये वाली जो लेंथ है ये तो y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करी, फिर जो ये लेंथ है ये x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करती, जो y कोऑर्डिनेट है हमारे पास ये वाली लेंथ, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। और जो हमारे पास x जो हमारे पास लेंथ है इसको बोलते हैं एब्सिसा। तो आपको ये याद रखना है, इसी नाम से भी कई बार क्वेश्चन आते हैं कि एब्सिसा और ऑर्डिनेट। तो एब्सिसा क्या होती है, x कोऑर्डिनेट, एंड ऑर्डिनेट क्या होता है, y। तो हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, और एब्सिसा कॉमा ऑर्डिनेट, इट मीन्स x कोऑर्डिनेट को पहले उसे हम क्या बोलते हैं एब्सिसा, एंड y कोऑर्डिनेट को बाद में उसे हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो गिवन p पॉइंट से हमारे पास किसी भी पॉइंट पे हम ऐसे ही कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। अब वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि कौन से क्वाड्रेंट में वो पॉइंट लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था इसके क्वाड्रेंट के बारे में। तो ऐसे ही अब गिवन जो पॉइंट है उसके अगर कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने हैं तो उसी पॉइंट से गिवन एक्सिस पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और फिर उसकी जो लेंथ है वो फाइंड करेंगे एक्स एंड वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग। सबसे पहले आपको राइट करना ही है, ऑलवेज रिमेंबर, एक्स कोऑर्डिनेट पहले राइट करना है कॉमा वाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट। अब देखिए इसके बाद एक्सरसाइज 3.1 के आपको क्वेश्चन सॉल्व करने, उसके अकॉर्डिंग आपको बस खाली कोऑर्डिनेट फाइंड करने होते हैं। तो कोऑर्डिनेट किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए गिवन एक्सिस पे आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करने होते हैं और फिर जो एक्स एक्सिस लेंथ एंड वाई एक्सिस जो लेंथ है वही उसके कोऑर्डिनेट होते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट को पहले राइट करते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को बाद में राइट करते हैं।